हेलो प्रमेश जी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के सेशन के अंदर फटाफट कम से कम समय के अंदर मार्केट के एनालिसिस आप लोग को करके बताऊंगा। मार्केट कहां से कहां जा सकता है वो सारी चीज़ें आप लोग बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले ये कहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आती है, एनालिसिस पसंद आती है, कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग के अंदर मदद करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए, इट ओनली मोटिवेट्स मी। इसके साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती हैं वो आप लोग से मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे ट्विटर पर ज़रूर फॉलो कीजिए हमको, उसके साथ ही टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कल हमने क्या बात की थी। कल जब मार्केट अच्छा खासा लड़खड़ा रहा था, आपको क्लियर कट कहा था कि भाई 29,000 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है? क्योंकि जब मार्केट ने फर्स्ट टाइम Jan 2021 के एंड में एक पीक मारा था, तो वो जब नीचे आया था तो ये जो सपोर्ट लेवल था 29,000 का, ये ज़बरदस्त था। कह सकते हैं कि एक बाउंस बैक लेवल था जहां से टकरा के प्राइस वापस से ऊपर की तरफ गया। तो उसी तरह से 29,000 ने एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया। आपको कहा था कि या तो प्राइस 29,000 को हिट करेगा, उसके बाद बाउंस बैक जरूर लेगा, 30 के ऊपर जाएगा, और ऊपर नहीं टिका तो प्राइस नीचे आएगा। अगर ऊपर टिक गया तो गाड़ी जो है वो ऊपर की तरफ थोड़ी जा सकती है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या ये गाड़ी अब यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर जाएगी या वापस से नीचे आ सकती है, और क्या ये एक डेड कैट बाउंस था, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। फटाफट आपको चार्ट्स पे लेके जाता हूँ, आगे का स्ट्रेटजी पूरी समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर चीज़ें समझाने वाला हूँ कि अब यहाँ से जो ट्रेंड है वो और कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, और ऊपर गया तो कौन से लेवल तक जाएगा, और ये नीचे आने के चांसेस हैं कि नहीं है, और पहले ऐसा कुछ हुआ था तो क्या हुआ था। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट एनालिसिस जो आपको मदद करेगा, तो प्लीज़ इसको मिस नहीं करना, इसको अच्छे से स्टडी करना। ये चार्ट है, वीकली चार्ट है। अब मैं इसको एक एक जो पार्ट है उसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हम एकदम शुरुआत से चलते हैं। अब ये जो सेक्शन है ये मैंने कह सकते हैं कि 2011 से 2012 का सेक्शन भी है, उसको इनलार्ज किया हुआ है। हम यहाँ पे वीकली चार्ट पकड़ रहे हैं और इसके अंदर हम पकड़ रहे हैं वीकली 50 मूविंग एवरेज। ओके, 50 मूविंग एवरेज है, ये ज़बरदस्त एक आइडिया देता है चार्ट के ऊपर कि 50 मूविंग एवरेज से अगर प्राइस नीचे है तो बेयर मार्केट है, अगर प्राइस हिट करके ऊपर आता है कितना आता है, और अगर ऊपर चलता है तो वापस एक सेकंड बुल रैली और सेकंड टॉप हम यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, अगर किसी को पता नहीं है कि ये फिबोनाची को किस हिसाब से ड्रॉ करते हैं, फटाफट बताने की कोशिश करता हूँ। आपको टूल्स में से इसको लेना है, ये टॉप को हम यहाँ पे पकड़ते हैं, और हमें क्या करना है कि जैसे ही ये जो पर्पल कलर की जो लाइन देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट 50 मूविंग एवरेज, जैसे ही पहला वीकली कैंडल इसको ब्रीच करता है, यानी कि यहाँ पे ये कैंडल है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा लंबा खींच के यहाँ रखता हूँ, लेकिन कैंडल ये है, जैसे ही इसको ब्रीच करता है कैंडल का लो, ओके, ये हमारा एक लो पॉइंट है, तो टॉप से लेके इस लो तक का हमें फिबोनाची ड्रॉ करना है। हमें कुछ लेवल्स पता चलते हैं। इसके अंदर 50% का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे हिट किया और उसके बाद से क्या किया कि 50 मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे चला, तो ये एक बेयर मार्केट की तरह प्राइस नीचे चला, कुछ यहाँ से बाउंस बैक नहीं हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे 2014 का ये टॉप और बॉटम पकड़ता हूँ। टॉप ने यहाँ पे पकड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्यूरेट कर देता हूँ, यहाँ तक गया था। ओके, और उसके बाद पहला जो कैंडल है जिसने 50 वीकली मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था नीचे की तरफ, उसका लो यहाँ तक गया था, मैंने खींच के यहाँ तक लिया है। उसके बाद हमें अलग अलग लेवल्स मिल गए। अब एक चीज़ और बताऊँगा, फिबोनाची का जब आप ये ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे बॉटम में अगर हमने यहाँ पे लॉग स्केल सिलेक्ट किया है तो यू हैव टू चेक दिस फिब लेवल्स बेस्ड ऑन लॉग स्केल। अगर इसको नहीं लेते हो तो लेवल्स गलत पता चलेंगे, तो इसको टिक करना और यहाँ पे भी लॉग स्केल को टिक करना। ओके, अब हमने देखा है कि जब भी हिट होके और वापस से बाउंस बैक लिया है 50 वीकली मूविंग एवरेज से, तो प्राइस ने फिबोनाची का 38.2 और उसके बाद मैक्सिमम 50 के लेवल तक उसने पहुंच लिया है, वहां तक गया, उसके बाद से वापस से नीचे आया, जैसे यहाँ पे यहाँ तक गया था और यहाँ गया, उसका नीचे आया था। ओके, कब हुआ था, हम 2018 के टाइम पे आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे भी हमने क्या किया है, ये टॉप लिया है, इसको मैं और परफेक्ट करता हूँ, इस हिसाब से परफेक्ट करता हूँ, और पहला कैंडल ये था जो 50 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे ब्रीच किया, तो यहाँ तक हमने इसको खींचा, हमको अलग अलग लेवल्स मालूम पड़ गए। ओके, अब यहाँ पे हिट करने के बाद प्राइस ने कहाँ तक टारगेट गया इसका, 38.2 के आसपास प्राइस का टारगेट गया, 50 तक नहीं गया, उसके बाद से प्राइस वापस से नीचे आया, 50 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे आया, उसके बाद से बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट 2019 में भी प्राइस अप्रैल में यहाँ तक गया था, उसके बाद से 50 वीकली मूविंग एवरेज को तोड़ा, हमने पहला जो बॉटम था उसको इस हिसाब से यहाँ पे लिया। ओके, जो ब्रीच किया था कैंडल यहाँ तक हमने लिया, इसके बाद से प्राइस ने बाउंस बैक कहाँ पे लिया, 38.2, उसके बाद 50 और मैक्सिमम 61.8, ये लेवल को उसने रिस्पॉन्स दिया। मैक्सिमम हमें यहाँ पे नोटिस करना है 50,
फिबोनाची का जो 50 लेवल है वो एक ज़्यादातर हिट हुआ है। अब हम रिसेंट कंडीशन सिनेरियो में आते हैं, क्या होगा। ये हमारा टॉप था, इसको ऐसे कर देता हूँ, और ये पहला जो कैंडल है जिसने 50 वीकली मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रीच किया, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस बाउंस हो रहा है। अगर ये जो वीकली कैंडल है, जो कह सकते हैं कि 2-4 दिन के अंदर ये वीक ख़त्म होगा, तो पता चलेगा कैंडल ग्रीन हो रहा है कि रेड हो रहा है। कैंडल जो भी हो रहा है, अगर प्राइस यहाँ से बाउंस बैक ऊपर की तरफ ले रहा है, तो इसका पहला टारगेट जो होगा 39,200 के आसपास होगा, और इसके बाद 43,125 के आसपास ये जा सकता है। ओके, इस हिसाब से जा सकता है। उसके बाद हो सकता है कि प्राइस वापस से 50 वीकली मूविंग एवरेज को नीचे टेस्ट करे। अगर सपोज कीजिए ये जो कैंडल है ये वापस अगर नीचे की तरफ ही आता है, वीकली कैंडल नीचे की तरफ ही क्लोज होता है, 50 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे चालू होता है, तो हम प्राइस अच्छा खासा वापस से नीचे देख सकते हैं। तो अभी 2-4 दिन हम और इंतज़ार कर सकते हैं, लगभग कह सकते हैं 4 दिन का और वक्त है इस वीकली कैंडल के अंदर, कि ये किस हिसाब से बिहेव करता है, क्या ये ग्रीन होता है, रेड होता है, क्या ये 50 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता है या नीचे क्लोज होता है। राइट नाउ हमने इसको इसलिए पकड़ा है क्योंकि इसने यहाँ पे ब्रीच किया है। ओके, तो यहाँ से हमने लिया है और टारगेट निकाला है, कि जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से लॉन्ग करना है कितना जा सकता है, तो 39,200 के आसपास, उसके बाद 43,100 के आसपास ये जा सकता है, ठीक है। तो ये था एनालिसिस ऑन BTC। उसके बाद एक और चीज़ हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि जब भी इसने ब्रीच किया है तो हमारा जो RSI था, RSI का लेवल 43 था, ओके, उसके बाद से ये जो लेवल गया 57 के आसपास गया। नेक्स्ट जब यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम ब्रीच किया, तब भी जो RSI का लेवल था 43-46 के आसपास था, ओके, देन तो वो परफेक्ट गिना है। देन उसके बाद से वापस यहाँ पे जब ब्रीच किया, तो ये जो लेवल था ये भी था 39 और 40 के आसपास था, ओके, और राइट नाउ अभी वापस से जब ब्रीच किया है तो हमारा करंट लेवल जो है वो 43 के आसपास है। तो जो एक सही RSI की भी जो जोन है एग्जैक्टली उसी हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये डेड कैट बाउंस जो है ये कितना ऊपर जा सकता है वो मैंने आपको अंदाजा अभी बता दिया है, और वापसी से ये कहूँगा कि अपनी पूरी स्टडी इसके ऊपर करना, एनालिसिस वगैरह करना, और उसी हिसाब से एंट्री लेने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोग हमेशा ट्विटर वगैरह पे पोस्ट करते हैं, उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, इसका मतलब नहीं है कि अगर मैंने ऐसे कह दिया तो मार्केट उस हिसाब से जाएगा, जो मुझे चार्ट पे लग रहा है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल ये रहता है आप लोग का कि क्या ये डेड कैट बाउंस है। मेरा आंसर है येस। क्या बेयर मार्केट खत्म हो गया है? नहीं, बेयर मार्केट बचा है, लेकिन ये जो बेयर मार्केट होगा ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा, मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। थर्ड, क्या प्राइस जो है वापस हम नीचे देखेंगे 29,000-30,000 के नीचे? हाँ, हम प्राइस देखेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने कहा है कि प्राइस ने 50 वीकली मूविंग एवरेज को ब्रीच करके ऊपर की तरफ गया है, तो ये जो वीकली कैंडल है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किस हिसाब से क्लोज होता है। ओके, एक बार ब्रीच तो कर दिया, इसका मतलब जो है प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर पुश होगा। अदरवाइज अगर ये कैंडल 50 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, तो हम ऊपर वाले जो मैंने आपको लेवल्स बताए वहाँ पे हम नहीं देखेंगे, सीधा प्राइस नीचे की तरफ हम देखेंगे। अगर ये 50 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज होता है ब्रीच करने के बाद, तो जो मैंने आपको ऊपर वाले लेवल्स बताए हैं वो मोस्टली जाएंगे वहाँ तक। ओके, तो किस हिसाब से कैंडल बिहेव करते हैं अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक एक्शन, ठीक है। तो दोस्तों इस क्विक एनालिसिस को यहीं पे एंड अप करता हूँ, और वीडियो अगर पसंद आई, एनालिसिस पसंद आई, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद और इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे और टेलीग्राम ट्विटर वगैरह पर शेयर करूंगा, और कोई पॉसिबल वीडियो भी आप लोग के साथ मैं जल्द से जल्द शेयर करूंगा। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।